नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15,800 कुछ टीचर्स की भर्ती है जो अभी की जा रही है। और इस बीच एक और जानकारी है जो आप सबको वैसे लग चुकी होगी, यूपी टेट के आवेदनों की जो 1 नवंबर से शुरू हो गए हैं, आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रही बात दूसरी सी टेट और यूपी टेट की क्लासेज की, तो वो 2 दिन से मैं नहीं बना पा रहा हूँ उसके वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त था। लेकिन इसी बीच एक और जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, जो सूचना है, वो ये है कि 15,000 से अधिक टीचर्स की भर्ती होने जा रही है और नवंबर दिसंबर में ही उसके आवेदन आ रहे हैं। अब इधर तो एक तरफ तो यूपी टेट और सी टेट का सिलसिला चल रहा है, इधर एक तरफ इसके आवेदन भरे जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट की, तो वो उसमें लगे रहे, उनके आवेदन भरे। लेकिन इस बीच ये जो करीब 15,500 से अधिक टीचर्स की भर्ती है जो कि DSSB के थ्रू निकाली जा रही है, इसमें दिल्ली जो NCR के लोग हैं वो, और चाहे कोई किसी भी स्टेट का है, वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब ये जानकारी है कि ऐसे टाइम पे आई है जबकि बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है एजुकेशन को लेकर के। अब ये जानकारी आई कहाँ से? एक्चुअल में DSSB की ओर से अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये दिल्ली DSSB यानी कि इसकी ओर से हलफनामा दिया गया था, ये आपका जस्टिस AK चावला की बेंच में दिया गया है। और जो वकील थे वो थे आपके अवनीश अहलावत, उनकी ओर से जारी किया गया है। इस हलफनामे में बताया गया है कि जो करीब 15,862 टीचर्स की भर्ती है जो DSSB के द्वारा की जानी है, उसका प्रोसेस बहुत ही जल्दी यानी कि नवंबर दिसंबर में शुरू कर दिया जाएगा। अब ये चीज पता कैसे लगी, उसमें ये था कि सरकार ने हलफनामे में ये कहा कि 2020 तक यानी कि मार्च 2020 तक सरकार इस भर्ती को कंप्लीट कर लेगी। तो ये जो सिचुएशन बनेगी वो तभी जा करके बनेगी जब नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकाले जाते हैं इसके, और उसके बाद आपके फरवरी तक ये एग्जाम हो जाए, उसके बाद छोटे मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करते हुए ये भर्ती आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कुल पदों की संख्या 15,862 है। चलो कुछ फिगर मैं लिख के रखता हूँ ताकि चीजें मिस ना हो जाए। और मैंने वकील का नाम आपको बताया, बेंच का नाम बताया, और साथ साथ इसमें यही बताया कि जो 10,591 टीचर्स की भर्ती थी वो भी अभी जो है ऑन प्रोसेस है, ऑन गोइंग है, पाइपलाइन में है, वो भी भर्ती चल रही है। इसमें ये बताया हलफनामे में साथ साथ कि 778 पदों के लिए तो आवेदन कर लिए, मांग लिए गए हैं, और बाकी जो करीब 3,296 जो पद थे उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो उसको वापस एक बार रिवाइज के लिए गवर्नमेंट को भेजा गया है। यानी कि ये चीज़ अच्छी है। कुल मिला के 15,862 टीचर्स की भर्ती आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगी, इसके फॉर्म आ जाएंगे। आप फिलहाल यूपी टेट के फॉर्म भरें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्लास में यहाँ ले ही रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं आराम से इस चैनल पर आकर के। और बुक्स चाहिए और आपको नोट्स चाहिए इसके, और इसके अदर वीडियो चाहिए संस्कृत के और पेडागोजी के, तो उसके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ भी उनको बड़े आराम से देख सकते हैं। और यार वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सही जानकारी है वो आगे पीछे हो जाती है, तो जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं वो पता लग जाता है कि उनके सवालों से उन्होंने वीडियो पूरा देखा है, क्योंकि उनके सवाल उसी स्टेटस के होते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप, तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।